हाय, मैं हूं शेफ दी एंशियंट बारबेक्यू से। जैसे कि आप जानते हैं, जन्माष्टमी कुछ ही दिन दूर है। जन्माष्टमी हमारे कृष्ण जी भगवान का जन्मदिन। कृष्ण जी को जैसे आप जानते हैं, उनको मक्खन, घी और सारी हैवी चीज़ें बहुत पसंद थी, और हम अपनी डिशेज में वो यूज़ ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो मनाते हैं जन्माष्टमी एक नए तरीके से, नई डिशेज के साथ। हमारी पहली डिश का नाम है बाके बिहारी का पनीर। जिसके लिए हमें चाहिए घी, जीरा, अदरक, खोया, मिर्ची, हरा धनिया, क्रीम, काजू का पेस्ट, नमक, जीरा, थोड़ा सैफरिन और थोड़ा खोया। पहले डालते हैं खूब सारा घी। घी इसलिए क्योंकि अगर घी ज़्यादा नहीं हुआ गया या माखन ज़्यादा नहीं हुआ तो कृष्ण जी को उतना पसंद नहीं आएगा। जैसे घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा क्रैकल होने देंगे ताकि वो अपना स्वाद पूरा घी में छोड़ सके। उसके बाद थोड़ा सा अदरक, हल्की सी कटी हुई हरी मिर्च। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी हरी मिर्च और जिंजर काफ़ी सौते हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम के बाद काजू का पेस्ट। जैसे आप देख सकते हो, थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सैफरन के स्ट्रैंड्स। सैफरन और क्रीम की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और जैसे आप देख सकते हैं, हल्का हल्का ग्रेवी ने अपना रंग भी बदल लिया। आप सैफरन को गर्म पानी में डाल के उसको इसमें डाल सकते हैं। मैंने साबुत डाला है ताकि और अच्छा स्वाद आ सके। थोड़ा सा इस टाइम हल्का सा जीरा पाउडर डालेंगे हम, थोड़ा सा खोया। लगभग हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इस पे सैफरन का। और फिनिश करने के लिए चॉप हरा धनिया। अब हमारे बाके बिहारी के पनीर के लिए उसकी ग्रेवी तो रेडी हो गई है, अब हम उसके लिए रेडी करेंगे उसका पनीर। अब पनीर को बनाने के लिए पहले मैं पैन में घी डालूंगा। पुदीना और क्रीम काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह बड़े बड़े पीसेस पनीर के काट के अच्छी तरह पुदीने के पेस्ट से इसको मैरिनेट करा। पर इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो घी है वो अच्छी तरह गर्म रहे, ताकि जब हम पनीर डालें तो पनीर पैन से चिपके ना। तो हम अपने पनीर के पीसेस उठाएं, पैन में डाल देंगे। पनीर को थोड़ी हल्की आँच में पकाएंगे। पुदीने का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें से अभी से। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पनीर काफ़ी अच्छे कलर में आ गया है। हमें इसे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा पनीर को हम पकाएंगे उतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये। तो हम पनीर को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हमारा पनीर भी सिक चुका है और हमारी ग्रेवी भी रेडी है। अब हम इसको थोड़ा ग्रेवी को पका के इसको फिर प्लेट करते हैं। गैस को हम बंद कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए एक अच्छी सी प्लेट, थोड़ा सा लेटिस, थोड़े से अनियन। पनीर को अच्छी तरह अरेंज कर लेते हैं और जो हमारी ग्रेवी है तो अच्छी तरह हम अपने पनीर पे पोर कर लेते हैं। और गार्निश के लिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी चीज़। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिश बनी है हमारे बाके बिहारी का पनीर। चलो मैं अभी डिश को टेस्ट करता हूँ। हाय, बताया ये थे कि ये बोलना है, पर आज मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, वो है मीठा, जिसका नाम है कद्दू की खीर। और इस